बहुत स्थान भी नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसके लिए जो है अलग से कार्यक्रम किया जाए। मैं अपने मीडिया बंधुओं का भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका भी अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग भी लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, लगातार आपकी शुभकामनाएँ मिलती रहती हैं। और चूँकि स्थापना दिवस के दिन बहुत सारे कार्यक्रम होने के कारण से उस दिन हम लोग विधिवत रूप से इस कार्यक्रम को उस प्रकार से आयोजित नहीं कर सकते, न ही इस प्रकार से आपस में संवाद कर पाते हैं, इसलिए हमने तय किया कि एक दो दिन बाद इस कार्यक्रम को करेंगे और सभी के साथ थोड़ा संवाद भी हो जाएगा, अपनी बात भी साझा हो जाएगी और विकास पुस्तिका में लिखी हुई बातें भी सबके सामने पहुँच जाएंगी। भाइयों बहनों, चूँकि राज्य की स्थापना के 22 साल पूरे हो गए, हमारे सभी अखबार के बंधु, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका एक ही सवाल होता था कि 22 सालों का सफ़र कैसा रहा। तो 22 सालों का सफ़र जहां तमाम तरीके से कभी उतार रहा हो, कभी चढ़ाव रहा है, लेकिन मैं आज जो विकास पुस्तिका है इसके विमोचन के अवसर पर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम, उनका स्मरण अवश्य करना चाहूँगा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के गठन को अपनी सरकार के समय में उन्होंने सहमति प्रदान की और उत्तराखंड राज्य का गठन किया। बहुत सारी, चूँकि हम सब लोग जानते हैं, इसमें से अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के समय में अभी भी हमारे सर्टिफिकेटों में सभी में किसी हाई स्कूल के हों, इंटर के हों या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, मैं नई लोगों की बात नहीं करता यहाँ पर, मनवीर चौहान बैठे हैं, पता नहीं इनके सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, लेकिन हमारे सारे सर्टिफिकेटों में और ये मंच पर जितने लोग बैठे हैं सबके शायद उत्तर प्रदेश ही होगा ज़्यादातर। तो उस समय जब हमारा राज्य बन रहा था तो मैंने देखा कि जब मैं कभी बिजनौर जाता था, कभी सहारनपुर जाता था, कभी रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली आसपास जाता था, तो वहाँ के लोग भी कहते थे कि हमको भी क्या उत्तराखंड में मिला सकते हो क्या, हम भी उत्तराखंड में शामिल होना चाहते हैं। तो मैं अपने मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो भारत पूरा एक समान रूप से आगे बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में समूचे सारे राष्ट्र का विकास एक गति से हो रहा है, उसके लिए उन्होंने तमाम योजनाएँ देश के अंदर लाए हैं, लेकिन उस समय लोगों की तीव्र इच्छा थी। और हमारे यहाँ भी लगातार, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, हर क्षेत्र में हम लोग तेज़ी से आगे बढ़े हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय बहुत लंबा आंदोलन उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए हुआ, उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए हमारी माताओं बहनों ने जहाँ संघर्ष किया, नौजवानों ने संघर्ष किया, हमारे वीर शहीदों का बहुत बड़ा योगदान इस राज्य के निर्माण के लिए उनका हुआ, जिन लोगों ने हंसते हंसते, मैं कहूँ हंसते हंसते, अपनी जवानी, अपनी जिंदगानी दांव पे लगा दी और शहीद हो गए, हमेशा हमेशा के लिए उत्तराखंड राज्य बनाने का सपना लेकर हम सब के बीच से ऊपर चले गए, उन सबको भी मैं नमन करना चाहता हूँ इस अवसर पर। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहाँ हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तेज़ी से विकास के एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं कहूँ तो उत्तराखंड सच मायने में नए संकल्पों के साथ, नए संकल्प लेकर एक नई उड़ान भरकर आगे बढ़ने का हम सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं, उसमें सभी का सहयोग मिल रहा है, सभी की शुभकामनाएँ मिल रही हैं। और हम लोगों ने सरकार के स्तर पर बहुत सारे काम, अब उसमें मैं विस्तार से जाऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन सभी विभागों ने अपनी अपनी योजनाएं बनाई हैं, अपने अपने रोड मैप बनाए हैं, और बहुत सारे कार्यक्रमों का तो अभी यहाँ पर कई सारे ऐप्स, चाहे वो ITDDA द्वारा बनाए गए हों, या हमारे परिवहन विभाग ने बनाए हों, या पंचायती राज विभाग ने बनाए हों, अन्य विभागों ने बनाए हों, उन सबका यहाँ पर अभी हम सब लोगों ने यहाँ से उसका लोकार्पण किया, उसका उद्घाटन किया। मैं कहना चाहता हूँ अपने अधिकारी गणों से भी, ये ऐप केवल औपचारिकता के लिए नहीं होने चाहिए, इस ऐप की आवश्यकता, वैसे हांकी जी जब बता रहे थे
तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि बहुत सुविधा हो गई अब आगे, बहुत जो है लोगों को सुविधा मिलेगी। और मैं भी यह मानता हूँ कि ये सुविधा के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार देखने में आता है कि हम ऐप भी बना देते हैं, हम योजनाओं को लॉन्च भी कर देते हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ सीधे सीधे उनको मिल नहीं पाता जिनके लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं। बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जो बनने के बाद ख़राब हो जाते हैं, बनने के बाद काम ही नहीं करते। जिन लोगों के लिए हमने ऐप बनाया होता है उनको पता ही नहीं होता कि हमारे लिए ऐप बना हुआ है, हमारी सुविधा के लिए बना हुआ है। यह केवल औपचारिकता के लिए नहीं बनना चाहिए। मैं चूँकि आज का दिन तो बड़ा अच्छा है जहाँ पर हमको केवल विकास की पुस्तिका और विकास के बारे में चर्चा करनी है, उसी का गुणगान करना है, उसी को आगे ले जाना है, उसी को लोगों को बताना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कहीं पर हम सुधार कर सकते हैं तो हमको सुधार की दिशा में भी निश्चित रूप से काम करना चाहिए कि हम लोग इसको और अच्छा करें। जो हमने एक मंत्र दिया है सरलीकरण का मंत्र, कि सारी ही चीज़ों को सरकार के अंदर सरल करना है, सारे ही मामले जो कितने भी जटिल क्यों ना हो उन सारे मामलों का समाधान करना है। पत्रावली कितनी ही पुरानी क्यों ना हो उस पत्रावली को भी निकालना है और उसका भी निस्तारण करना है, यानी कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, और चौथे नंबर पर संकल्प का भाव, चौथे नंबर पर संतुष्टि का भाव, कि हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए जो हमसे मिल जा रहा है उसके अंदर संतुष्टि का भाव वो लेकर जाना चाहिए। ये हमने तय किया था शुरू से, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो हमारा कार्य व्यवहार है, मैंने अपने अधिकारी गणों से भी कहा है, सभी से कहा है, हमारे मंत्रीगण तो लगातार लगे ही हुए हैं, हमारे अधिकारी गण भी, हमने जो नए उत्तराखंड का संकल्प लिया है, हमारा संकल्प है नए उत्तराखंड का, और इस नए उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी एक मानसिकता है कि हमें औपचारिकतावश 10 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस जाना है, उसके बाद काम खत्म, इस प्रकार की संस्कृति को भी हमें बदलना होगा। हम सब लोगों को पेन लेकर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा कि अगर 5 की जगह 7 भी बज जाएगा, 8 भी बज जाएगा और 9 भी बजेगा तो भी हमको जो है उतने ही मन से काम करना होगा जितने मन से हम सवेरे 10 बजे आए हैं, तब जाकर हम नए उत्तराखंड का संकल्प को पूरा कर पाएंगे। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 8 सालों में देश के अंदर तमाम स्थितियों परिस्थितियों में देश लगातार आगे बढ़ा है, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। मोदी जी की लीडरशिप में पूरे देश के अंदर एक नया लोगों के अंदर कार्य व्यवहार और नया कार्य संस्कृति पैदा हुई है, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे गरीबों का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, मातृशक्ति का क्षेत्र हो, नौजवानों का क्षेत्र हो। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जहाँ मातृशक्ति के क्षेत्र में तमाम योजनाएँ, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम देश को दिए गए हैं, वहीं नौजवानों को भी अगले 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का भी नया संकल्प उन्होंने लिया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि, और हम लोग भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों समीक्षा की है, उन समीक्षाओं में हमने लगभग 30,000 हमारे यहाँ भी रिक्तियाँ अभी खाली हैं, और पहली बार ये हुआ है कि 7,000 जो पदों की हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, वह भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने के कारण से, जिसकी जांच चल रही है, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो गया था कि अब हम इन भर्ती परीक्षाओं को कैसे आगे करें, कहीं हमारे नौजवानों को, युवाओं को, हमारे बेटे बेटियों को इन परीक्षाओं में हो रहे विलम्ब के कारण से कुछ भुगतान न करना पड़े। उसके लिए हमने तय किया कि हम इसको अपने मंत्रिमंडल में हमने चर्चा करी और मंत्रिमंडल में हमने फैसला किया कि हमारे इन बेटे बेटियों के साथ किसी प्रकार की भी रुकावट नहीं होने देंगे और सारी की सारी भर्तियां तय समय सीमा पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ट्रांसफर करके सीधे हमने लोक सेवा आयोग को कर दिया। भाइयों बहनों, उसके सारे के सारे कैलेंडर जारी हो गए, और जब हमने ये निर्णय लिया था तो कुछ लोग
क्योंकि आलोचना करना मेरा बहुत स्वभाव नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी अपनी टिप्पणी कर रहे थे कि ये कैसे संभव हो पाएगा, हो ही नहीं सकता, महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, इस समय तत्कालिक व्यवस्था आई है इसलिए जो है इन्होंने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है। लेकिन भाइयों बहनों, ये हमने सितंबर माह में निर्णय लिया था और अक्टूबर माह में इसके विज्ञापन कैलेंडर जारी होकर, इसका भर्ती कैलेंडर जारी होकर इसके विज्ञापन भी निकल गए हैं और अगले एक दो महीनों में सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहते, इसमें हम लोग बहुत सावधानी रखते हैं कि जो कह रहे हैं वो पूरा हो, ऐसा ना हो कि पता चला कि हमने एक बड़ी बड़ी बातें तो कर दी लेकिन वो बातें धरातल पर नहीं उतरी। यह हमारे नेतृत्व का भी, हमारी जो लीडरशिप है, हमारी लीडरशिप भी जो कहती है वो करती है। इसका परिणाम है कि उत्तराखंड के अंदर हमने तय किया है जितनी भी योजनाओं का हम लोग शिलान्यास करेंगे, जितनी भी योजनाओं को हम शुरू करेंगे, उन सारी योजनाओं का हम लोकार्पण भी करेंगे, यानी कि जो योजनाएं हमारे कालखंड में शुरू हो रही हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में यहां आए, विशेषकर से हमारे मीडिया बंधुओं का, जिनके माध्यम से साल में कुछ ही अवसर ऐसे आते हैं जब मीडिया बंधुओं के लिए हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और आप सबको तो मैं कह सकता हूँ, एक ज़माना होता था जब हम लोग कहानियों में, गाथाओं में सुनते थे कि नारद जी यहाँ की बात वहाँ पहुँचाते थे, इस लोक की बात उस लोक में पहुँचाते थे और उस लोक की बात इस लोक में ले जाते थे, पाताल से धरती से लेकर आसमान तक पहुँचाते थे, सारे देवी देवताओं को एक साथ जोड़ने का काम करते थे। इस लोक में तो आधुनिक भारत के तो आप ही सब हमारे नारद हैं, इसलिए आप सबको भी मैं नमन करता हूँ, आप सबका बहुत आभारी हूँ कि जिस रूप में भी हो आपका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन, और आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और पहले के समय में कब क्या होता था कब नहीं होता था, मैं तो अगर कोई मीडिया के बंधु थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कई बार अपनी तरफ से ही खींच जाते हैं, मेरी तरफ से मैं तो किसी को नहीं खींचता हूँ, तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी तरफ ही झुक जाऊँ, ठीक है ना मनवीर? तो इसलिए हमारी तरफ से हमेशा सबके लिए शुभकामनाएं हैं और लोकतंत्र का ये अच्छा, एक सबसे अच्छा आदर्श उदाहरण यही होता है कि सारे ही स्तंभ, न्यायपालिका हो, हमारी कार्यपालिका हो, विधायिका हो और हमारे चौथा स्तंभ हो, सारे के सारे बराबर तरीके से चलें, तभी जो है हमारा लोकतंत्र, राज्य, देश आगे बढ़ते हैं। तो हमको, हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है कि आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, और ये केवल संकल्प किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये संकल्प उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों का है। और सारे के सारे मिलकर जब हम इस संकल्प की सिद्धि के लिए एक साथ आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, बहुत सारे विचारों की श्रृंखलाएँ चलाई हैं, उसके माध्यम से सबके विचार लेकर अभी आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग एक मंथन का बड़ा चिंतन शिविर भी हम लोग करने वाले हैं, जिसमें 2-3 दिनों का लगातार चिंतन करेंगे, लगातार उसमें आपस में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ विद्वानों को भी बुलाएंगे, उन सब के विचार लेकर कि कैसे हम लोग अगले 5 सालों में, 10 सालों में, जहां हम अपनी ग्रोथ रेट को दुगुना करें, तिगुना करें, अपने बजट को दुगुना तिगुना, आर्थिकी को बढ़ाने के संबंधों में, रेवेन्यू को बढ़ाने के संबंध में, कृषि है, उद्यानिकी की है, हाइड्रिल है, माइक्रो हाइड्रिल है, उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे हम सबसे अच्छा कर सकते हैं, देश के कैसे हम सबसे आदर्श राज्यों में हमारी गिनती हो, हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो सब लोग उसको अपने यहाँ लें, उसका उदाहरण प्रस्तुत करें, इस दिशा में हम रोड मैप बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। और हम, मैं बधाई देना चाहता हूँ मंच पर जहाँ हमारे सारे मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, और सामने बैठे हुए भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोगों ने, जो हम लोगों ने संकल्प नए उत्तराखंड का लिया है उसको लेकर बहुत सारे विभागों ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम हमारे यहाँ पर लॉन्च की है, बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें बनाई हैं, एक नहीं 5-5, 10-10 योजनाएँ बनाई हैं, कुछ योजनाएं हमारी कम समय की जो पूरे होने वाली हैं और कुछ दीर्घकालिक योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं पर हमारे
विभाग काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीगणों का भी धन्यवाद करता हूं कि वो लोग अपने अपने विभागों में लगातार इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य हेतु है कि धीरे धीरे सदे हुए कदमों से एक लंबा रास्ता जो हमको मंजिल तक ले जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे। उसमें संपूर्ण उत्तराखंड के जहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको चाहिए, हमारे नौजवान साथियों का साथ चाहिए, हमारे पत्रकार मित्रों का भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन चाहिए। इस दिशा में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बना पाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।